Hello everyone, this is Jimmy Singh, broker owner with Supermax Realty. Welcome to my channel Real Estate Edge with Jimmy Singh. Friends, आज का जो वीडियो है I want to make it in Hindi so our community, देसी community can understand the implication especially for the new legislation which is coming up in our real estate business world on December the 1st, 2023. And it is called Trust in Real Estate Services Act. So ये जो नया legislation आ रहा है इसका ये purpose है कि जो consumer हैं उनके पास ज़्यादा choices हों, उनके पास ज़्यादा protections हों और जो real estate agent को वो hire करते हैं उनका जो relationship है it would be crystal clear. I will make give you some example of the current scenario तो आपको easy समझ लगेगा. I'll try to explain you. सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आज की डेट में अगर कोई रियल्टर किसी लिस्टिंग एजेंट को कॉल करता है एंड कहता है कि मैंने आपकी प्रॉपर्टी देखनी है, वो जो एजेंट है वो उसको वो प्रॉपर्टी दिखाएगा, देन ही माइट से कि चलो और भी घर देख लेते हैं एंड देन इवेंचुअली ही वॉन्ट टू बिल्ड द रिलेशनशिप विद द कस्टमर पोटेंशियल क्लाइंट एंड डाउन द लाइन उसको घर बेचने से पहले उसको बायर एजेंसी साइन करवाएगा. मूविंग फॉरवर्ड जो अभी बिग चेंज आ रहा है इस लेजिस्लेशन में वो ये है कि आने वाले समय में आइदर यू कैन बी अ क्लाइंट टू अ ब्रोकरेज और अ रियल्टर और यू कैन बी सेल्फ रिप्रेजेंटेटेड पार्टी, मीनिंग आइदर वो जो सारा रिस्क है सारा लेग वर्क है वो आप अपने आप करोगे, ब्रोकरेज आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू प्रोटेक्ट योर बेस्ट इंटरेस्ट, या आप ब्रोकरेज के क्लाइंट बनोगे तो वो आपको सारी सर्विसेज मुहैया करा सकती हैं. सो इस केस में जो अभी नया लेजिस्लेशन आ रहा है वो कहता है कि जो सेल्फ रिप्रेजेंटेटेड पार्टी है दैट इज पार्टी इज नॉट अ क्लाइंट टू द ब्रोकरेज एंड दे आर नॉट अंडर एनी टाइप ऑफ एग्रीमेंट विद द ब्रोकरेज, मीनिंग अगर वही सिचुएशन जिसमें वो बंदा कॉल करता है कि मेरे को घर दिखा दो तो वो जो लिस्टिंग एजेंट है उसकी दो ऑब्लिगेशंस अंडर द न्यू एक्ट है. पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके जो भी एक्शन होंगे इट शुड बी यू नो टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग सर्विस टू हिज क्लाइंट. सो जो लिस्टिंग एजेंट है उसका क्लाइंट है सेलर. तो ये जो इसमें लेजिस्लेशन में दो लाइनें हैं मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. द वर्डिंग इज व्हेन रिप्रेजेंटिंग अ क्लाइंट असिस्टेंस कैन बी प्रोवाइडेड टू सेल्फ रिप्रेजेंटेटेड पर्सन as the service is towards your own client but it must not encourage self-represented person to rely on registrant's skills and judgment. In a nutshell ye legislation ye kehta hai ki wo banda kyunki wo listing us brokerage ki hai wo aapko ghar dikha sakta hai par aapko wo ओपिनियन ही दे सकता, आपको वो ये गाइड नहीं कर सकता कि मार्केट कैसे है, आपको कितनी प्राइस देनी चाहिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्लॉज डालने चाहिए. दीज आर ऑल द एडवाइस और ओपिनियंस दैट हैज़ टू बी गिवन टू क्लाइंट्स नॉट सेल्फ रिप्रेजेंटेड पर्सन. सो अगर ऑफर बनानी है आप अपने आप बनाओगे अनलेस यू वांट टू हायर सम अदर प्रोफेशनल फ्रॉम अदर ब्रोकरेज और सम अदर एजेंट टू रिप्रेजेंट यू, राइट. सो ये जो बहुत बड़ी चेंज है वन हैज़ टू नो दैट. Other example can be you can't provide assistance to self-represented seller unless buyer is your client. माने for example let's say आज क्या होता है कि अगर agent के पास buyer कोई customer घूम रहा है और client नहीं भी है, he can straightforward approach you know potential seller जो for sale by owner privately अपना घर बेच रहा है उसके साथ customer service form sign कराने के बाद कि इतनी मेरी fee है, दे एग्री टू दैट एंड देन ही ब्रिंग कस्टमर. ये लेजिस्लेशन बहुत क्लियर कह रहा है कि अगर वो सेलर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है ही इज़ अंडर नो ऑब्लीगेशन टू पे यू रिमनरेशन, मीनिंग आपकी फी देने की कोई ऑब्लीगेशन नहीं है एंड इट इज़ यू नो स्टॉपिंग दैट एजेंट्स फ्रॉम कलेक्टिंग एनी काइंड ऑफ मनी और फीस फ्रॉम द पर्सन हु इज़ रिप्रेजेंटिंग देम सेल्फ. इन दिस एग्जाम्पल इट इज़ सेलर. सो ये एक बहुत बड़ी चेंज है. थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको और भी दे देता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई क्लाइंट आपको कॉल करता है, नॉर्मल कस्टमर किसी लिस्टिंग एजेंट को कॉल करता है कि मेरे को ये घर दिखा दो,
अगर उसकी ब्रोकरेज के पास और लिस्टिंग्स हैं या मार्केट में नेबरहुड में और लिस्टिंग्स लगी हैं, क्योंकि ये जो सेलर का एजेंट है, लिस्टिंग एजेंट है, इसकी फिड्यूशरी इज टुवर्ड्स द सेलर, मीनिंग वो इस कस्टमर को स्टीयर करके और प्रॉपर्टी नहीं दिखा सकता, बिकॉज दैट इज इन नॉट बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सेलर। मीनिंग ये नहीं कि आपको कोई अपनी लिस्टिंग के लिए कॉल कर रहा है, उस लिस्टिंग को छोड़ के आप इधर उधर उसको और घर दिखाई जाओ। यू कैन ओनली शो अंटिल ही इज योर क्लाइंट। अगर वो क्लाइंट नहीं है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लेजिस्लेशन में लिस्टिंग एजेंट कांट शो द प्रॉपर्टी। सो गाइज, इससे आपको थोड़ा फ्लेवर पता लग गया होगा कि ये जो लॉ है, इट इज़ अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एंड दे वॉन्ट टू मेक श्योर के जो क्लियर है कस्टमर है, उसके दिमाग में रिलेशनशिप पूरा क्लियर है कि क्या एजेंट मेरे लिए काम कर रहा है कि मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है। सो मूविंग फॉरवर्ड इन बाय December 1, जब ये चेंजेस आएंगी, अभी इस टॉपिक को मैं सिर्फ यही फोकस करूंगा, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन। इस लेजिस्लेशन में और भी कई बातें करने वाली हैं, एंड इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज आई विल बी मेकिंग वीडियोस, तो वी विल जस्ट फोकस ऑन दिस। सो जो सेल्फ रिप्रेजेंटेड बंदा अपने आप को करेगा कि मेरे को एजेंट की या ब्रोकरेज की रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, उसको दो फॉर्म साइन करने पड़ेंगे, जो एक्चुअली उसमें से एक फॉर्म तो सबको ही साइन करना पड़ेगा। पहला फॉर्म जो है वो है डिस्क्लोजर, कि इसमें वो डिस्क्लोज किया जाएगा कि इसमें उसको क्या रिस्क हैं जो बंदा अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या क्या एजेंट्स के मेरिट है अगर आप अपना एजेंट हायर करते हो, तो उससे वो एक्नॉलेजमेंट साइन कराई जाएगी। सो आई जस्ट गो इन अ नटशेल। सो इसमें साफ लिखा गया है कि इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू बी अ क्लाइंट ऑफ द ब्रोकरेज, यू आर टेकिंग ऑल द रिस्क, और यू हैव टू नो कि जो मार्केट की अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, यू नो इट्स वेरी हार्ड टू नेविगेट द मार्केट, जैसे आजकल दुनिया कैनेडा में खासकर मार्केट है, राइट? अनलेस यू लिव इन द सिटी, यू बिन डूइंग योर ओन ड्यू डिलीजेंस रिसर्च फॉर 6-7 months, इट्स वेरी हार्ड टू नेविगेट दिस मार्केट। सो वो जो इनहेरेंट रिस्क है वो आपके पास होगा, एंड यू विल बी डीलिंग विद द सेलर एजेंट। अगर आप अपने आप के लिए घर खरीद रहे हो, आपके अगेंस्ट अगर वो सेलर एजेंट खड़ा है, सो उसकी जो बेनिफिट्स सेलर को मिलेंगी, उसकी ओपिनियन एडवाइस वो आपके पास नहीं है, राइट? एंड ही इज फोकसिंग ऑन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द सेलर, ये पहली बात। सेकेंड बात, वो कहते हैं कि यू हैव टू बी अवेयर दैट द एजेंट इज ऑब्लीगेटेड टू शेयर एनीथिंग यू टेल देम विद द क्लाइंट, मीनिंग आपकी क्या मोटिवेशन है, वो घर आप क्यों खरीदना चाहते हो, आप उस पर कितनी प्राइस ऑफर करना चाहते हो, क्या आपकी टर्म कंडीशंस होंगी, जो भी आप बताओगे उस सारी की सारी जानकारी वो अपने क्लाइंट को देगा, वो सेलर है। इसको हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि अगर दूसरी तरफ बायर है और बायर का अपना एजेंट है और सेलर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करवा रहा, तो उसकी जो सारी एडवाइस नॉलेज के बेनिफिट है वो बायर को मिलेगा, सेलर को नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड अनदर थिंग दे वॉन्ट टू मैंशन हेयर के रियल एस्टेट एजेंट जो है, इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो बायर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको स्टिल असिस्ट करेगा, पर उसमें भी कुछ हैंडीकैप है, कई चीज़ें वो मदद नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, जो भी वो उसको असिस्ट करेगा, इट मस्ट बी ऑफ सर्विस टू हिज क्लाइंट, मीनिंग वो जो भी एक्शन लेगा, फॉर एग्जांपल ताला खोल के घर दिखाएगा, दैट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ सेलर, कि उसकी मार्केटिंग कर रहा है तो वो कर सकता है। ही मस्ट प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट। सो लेट्स से अगर आप किसी अब बायर हो, आपको किसी प्रोफेशनल की रेफरेंस चाहिए, आपको मॉर्गेज में हेल्प चाहिए, होम इंस्पेक्शन में हेल्प चाहिए, या एजेंट का आपने यू ना पिक हिज ब्रेन इफ़ यू आर बाइंग अ वेरी ओल्डर प्रॉपर्टीज में क्या क्या मसले आ सकते हैं, या आपको उस नेबरहुड की जानकारी चाहिए, या आपको मार्केट कंडीशन, या कौन सी स्ट्रेटजी मल्टीपल ऑफर में चाहिए, और आपको वो प्रोसेस को कैसे स्मूथली टिल क्लोजिंग लेके जाना है, ये सारी जो मदद है ये सिर्फ क्लाइंट को मिलेगी अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। एजेंट डजन हैव टू प्रोवाइड यू एनी इन्फॉर्मेशन। अगर आप कहते हो मेरे को सोल्ड डाटा दे दो, पिछले 90 दिनों में घर कितने के बिके हैं, ही डजन हैव टू गिव यू एनी थिंग। अगर आप ओवर प्राइस पे कर रहे हैं, कोई लिस्टिंग अगर $1,00,000 ऊपर लगी है, एजेंट डजन हैव टू टेल कि ये ओवर प्राइस लिस्टिंग है, कल को इसका अप्रेजल नहीं आएगा, बिकॉज सम टाइम पीपल थिंक कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, हमें मार्केट का पूरा ज्ञान है, एंड ही दे एंड अप ओवर पेइंग, दैट्स प्योरली योर चॉइस, राइट? तो कहने का मतलब क्या है कि ही कांट गिव यू एनी ओपिनियन और एडवाइस इन रिलेशन टू दिस ट्रांजेक्शन, राइट? सो ये जो फॉर्म है,
इसके साथ आपको रियल एस्टेट इन्फॉर्मेशन गाइड है जो कि 15 पेज का गाइड होगा, जो ये है अपना सेल्फ रिप्रेजेंटेशन फॉर्म और एक्नॉलेजमेंट, ये होगा 2 पेज का फॉर्म जो December 1, 2023 में लागू हो रहा है। और इसमें आप नीचे एक्नॉलेज करेंगे कि आई एक्नॉलेज के जो एजेंट का ऊपर नाम लिखा है लाउडली एंड बोल्डली दैट आई एम नॉट रिलाइंग ऑन द स्किल्स एंड जजमेंट ऑफ दिस एजेंट एंड आई अंडरस्टैंड कि जो एजेंट है वो ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है अपने क्लाइंट को विच माइट बी सेलर और द बायर इन सर्टन सिचुएशन एंड ही इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज ओपिनियन और एडवाइस टू मी इन रिलेशन टू दिस ट्रांजेक्शन, और ये इस ट्रांजेक्शन में मेरे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा एंड ही इज नॉट एक्टिंग इन माई बेस्ट इंटरेस्ट। इस पर आप साइन करके डेट करोगे और ये 2 पेज का कॉपी वो एजेंट को आपको उस वक्त देना पड़ेगा बिफोर इवन ही स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पुटिंग ऑफर एंड एवरीथिंग, राइट। सो ऐसे ही जो 10 पेज का जो रियल एस्टेट काउंसिल का इन्फॉर्मेशन गाइड है 15 पेज का, इट इज़ वेरी लैबरेट बट आई एम गोना जस्ट फोकस ऑन द सेक्शन कि जो सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव जो होगा क्लाइंट उसके लिए क्या उस पर लागू होता है, राइट। सो ये अगेन वही बात करते हैं कि रियल एस्टेट काउंसिल हमारी यही रिकमेंड करती है, ऐसे ही वो एजेंट जो प्रोफेशनल है ही शुड ऑलवेज रिकमेंड यू टू सीक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एडवाइस बिफोर यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, राइट। बिकॉज अगेन अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करें यू आर टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आउट फॉर योर बेस्ट इंटरेस्ट, मीनिंग फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी यू डोंट नो द जोनिंग, यू डोंट नो द परमिटेड यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, क्या उसमें बेसमेंट हम यूज कर सकते हैं या सिटी अलाउ करेगी नहीं करेगी, कि उस प्रॉपर्टी का क्या ट्रू वैल्यू आज की मार्केट में होना चाहिए, हाउ मच यू नो सेलर इज विलिंग टू एक्सेप्ट या आप कितना ऑफर करना चाहते हो, हाउ टू नेविगेट मल्टीपल ऑफर सिचुएशंस, उसमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी टर्म्स कंडीशन डालनी चाहिए कि यू कैन बैक आउट एंड नॉट गेट स्टक विद अ फर्म ऑफर, एंड प्रिपेयरिंग ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, राइट। सो एजेंट डजंट नीड टू डू एनीथिंग, ही कैन से हे यू वॉन्ट टू मेक योर ओन ऑफर बाय ऑल मीन्स ड्राफ्ट इट, राइट। लोग सोचते हैं कि यू नो वट हम अपना डिवोर्स का पेपर अपने आप ऑनलाइन प्रिंट करके बना सकते हैं, विल्स बना सकते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ट्रू प्रोफेशनल, खासकर जैसे आजकल मार्केट यू नो वॉलेटाइल है, यू हैव टू वर्क विद द प्रोज हु नो व्हाट दे आर डूइंग बिकॉज दीज थिंग्स कैन कॉस्ट यू थाउजेंड्स एंड आई हैव सीन टाइम एंड यू नो टाइम अगेन कि जो बंदे स्मार्टली 200-400-500 बचाने के चक्कर में ऐसे होते हैं दे एंड अप पेइंग वे मोर। आई हैव सीन इन लास्ट फ्यू ईयर्स कई बारी सिटी में कई एजेंट को नॉलेज नहीं होती, दे कम आउट ऑफ टाउन विद द क्लाइंट्स विद व्हाट एवर अरेंजमेंट दे हैव, प्रॉपर्टी ओवर प्राइस लगी होती है, दे बिड लाइक क्रेजी इरिस्पेक्टिव ऑफ नोइंग के इस नेबरहुड में ट्रू वैल्यू कौन सी होनी चाहिए। कई बार सेम गली में एक जो घर होते हैं दे आर मोर वर्थ मोर देन अक्रॉस द स्ट्रीट, माइट बी कोई रवीन है कोई कुछ है, बट दीज आर ऑल द थिंग्स अ प्रो यू नो रियल एस्टेट एजेंट हु वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर बेस्ट इंटरेस्ट जब वो आपको रिप्रेजेंट करेगा। सो ये जो फॉर्मेट इज़ वेरी क्लियर, ये कहता है कि जो एजेंट है ही हैज़ द लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्रांजेक्शन, राइट। सो इफ़ यू आर अ बायर और आप इवन प्रॉपर्टी के लिए इंक्वायर कर रहे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड जो एजेंट है वो सेलर के लिए काम कर रहा है, आपके लिए काम नहीं कर रहा, राइट। एंड जो रियल एस्टेट जो डिस्क्लोजर है वो 15 पेज का कॉपी होगा, वो भी आपको साइन करने पड़ेगा, 2 पेज का कॉपी भी साइन करना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट नो यू नो उसके कंटेंट को आपको क्लैरिटी नहीं है, यू शुड डेफिनेटली सीक इंडिपेंडेंट गाइडेंस और काउंसिल। अगर वो पढ़ने के बाद आपको लगता है कि यू नो वट यू आर नॉट कम्फर्टेबल, यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ कॉल टू अदर ब्रोकरेज और अदर रियल्टर एंड से हे कैन यू रिप्रेजेंट मी इन दिस ट्रांजेक्शन, राइट। और उसके अलावा क्या है कि यू हैव द राइट टू चेंज योर माइंड। सो इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इफ़ यू आर कंसर्न्ड अबाउट कंप्लीटिंग द ट्रांजैक्शन ऑन योर ओन एट एनी टाइम यू कैन चूज टू बिकम अ क्लाइंट फॉर अ ब्रोकरेज, राइट। तो अगर आपको लगता है कि मेरे यू नो स्कोप से बाहर है, आई कांट फिगर दिस आउट, इज टू कॉम्प्लेक्स, इट इज़ एडवाइजेबल फॉर यू टू हैव योर इंडिपेंडेंट एजेंट जो आपको इस ट्रांजेक्शन में गाइड कर सकता है। सो बहनों और भाइयों और जो भी मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, यू नो चेंजेस आर कमिंग वेरी ब्रिस्क, December 1st दिस न्यू लेजिस्लेशन इज कमिंग विच विल विच इज़ देयर टू स्ट्रेंथन और रिफॉर्म आर प्रीवियस यू नो रीबा एक्ट, रियल एस्टेट बिजनेस ब्रोकर एक्ट। तो इसमें अच्छी बात क्या है, और भी 10-15 चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा अगले वीडियोज़ में,
इसमें जैसे पिनलाइज एजेंट के लिए पेनल्टीज भी बढ़ रही हैं, उनकी जो कमेटीज हैं उसमें आउट ऑफ रियल स्टेट रियल से बंदे भी आ रहे हैं जो फाइनल डिसीजन डिसाइड करेंगे ये बंदे ने उसको क्लाइंट को प्रोटेक्ट किया है कि नहीं किया। एंड एट द एंड ऑफ द डे देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू नो स्पेशली इन दिस मार्केट। एनी क्वेश्चंस यू गाइज यू हैव, अगर आपको इस बुकलेट जो अभी नई लॉन्च होने वाली है और आपको सेल्फ रिप्रेजेंटेशन अपने आप को कराना चाहते हो, यू वॉन्ट टू नो द रिस्क, जो 2 पेजों का बुकलेट भी है, यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी, आई कैन सेंड यू एट नो कॉस्ट 647-961-2639। माई नेम इज़ जिमी सिंह, आई एम ब्रोकर ऑफ रेकर्ड विद सुपर मैक्स रियल्टी इन लंडन। या आप मेरे ऑफिस में 519-933-2559 कॉल कर सकते हैं। एंड आई बिन रिप्रेजेंटिंग बायर क्लाइंट्स एंड सेलर क्लाइंट्स फॉर लास्ट 18 ईयर्स। सो गिव मी अ कॉल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टॉक टू यू सून।